हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सीना नोमैड्स मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2009 की मैक्सिनर अमेरिकी शायक की थ्रिलर फिल्म है, जिसे कैरी जोजी फेकिलनाग द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक खेटर लड़की के बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, और एक लड़का ग्रेरी के जीवन की हिंसा में पकड़ा गया है। निर्देशन कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा लिखित कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा उत्पादित एमी कम्फेमैन अभिनेती प्लाइन गैथनी ड्रेनी फ्रेशर क्रिस्टिनी फ्रेरिक छायांकन एड्रियन क्लेमेन द्वारा संपादित लूसी कार्वियर क्रोमैक संगीत दिया है मार्सी जेब्रोश उत्पादक कंपनियां प्राथमिक प्रदूषर कना फिल्म फ्रेडिक फिल्म द्वारा लेवित्रित फंकस फ्रेची संयुक्त राज्य यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि जनवरी 18, 2009 सन डांस मार्च 20, 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका 15 मई 2009 कार्यकारी समय 96 मिनट 23 मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका बस एक्सपेंसी बजट 7 मिलियन डेली योन और गेल गर्मिया वेनर स्पेंसी भाषा की फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे। 2009 सन डांस फिल्म फेस्टिवल में सिन निर्मित और छायांकन के लिए पुरस्कार जीते। विलय उपनाम एक क्रेसियर मार स्लेविट ग्राहकों का सदस्य है। गैवॉट माला के साथ सीमा के साथ मैक्सिवर शहर तापचल्य में रहता है। वह अपने ग्राहकों में एक युवा लड़के का परिचय देते हैं और हिंसक दीक्षा के बाद लड़के को स्नेमी उपनाम दिया जाता है। कैप्सर बाद में स्लैमी को एक प्रतिद्वंद्वी ग्राहकों के सदस्य को मारने में मदद करके इस तथ्य को पूरा करने में मदद करती है। कैसन के लड़की मैथ्यू मार्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी सुरक्षा के डर से वह अपने ग्राहकों से रिश्ते को गुप्त रखता है।
लेकिन उसका दोहराय जीवन उसके ग्राहकों को उसकी वफादारी पर संदेह करने का कारण बताता है। जब मैराथी किस्पेरी को अपने ग्राहकों के एक समूह में ले जाती है तो कैप्सियर की गलतफहमी के बावजूद ग्राहकों के नेता ली मेगन उसे बाहर ले जाते हैं। मांगो ने मार्थी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और गलती से उसे मार डाला। बाद में वह लापरवाही से क्रेपी से कहता है कि वह एक और लड़की ढूंढ लेगा। कुछ ही समय बाद मैगी कैफर और साइमली को लावेमी में लाता है, जो रैली की प्रेटियों के साथ एक स्थान है जहां संभावित स्टोनी प्रयास संयुक्त राज्य के स्थानों ट्रेनों को पार करने से दूर हो जाते हैं। प्रेसियों में से एक हेरेडी परिवार है जिससे पहले शुरू किया गया था, जिसमें किशोर लड़की सराया, उसके पिता और उसकी चाचा शामिल हैं, जो न्यू जर्सी में रिश्तेदारों के रास्ते जा रहे हैं। ली मांगो कैम्पियल और स्पेंसी यात्राओं को लड़ते हैं, जबकि पास कोई पैसा नहीं है। जब तक कि लीला मैगी साड़ी को नहीं देखता है और उसे बलात्कार करने का प्रयास नहीं करता है, स्पेंसी स्टेप्स और मैग्या को मार देता है और फ्रेशी स्माइली को भेजता है। स्माइली ग्राहकों में वापस जाती है और मांगो की मृत्यु को मौत की रिपोर्ट ग्राहकों से नेतरीय शामिल भागीदारी करती है। बैटल ऑफ द आरोफिक से गौरती है कि सबूतों के वृद्धि के कैफियर भोजन की भूख मांगता है और एलिशी समूत स्पेंसी कंप्यूटर का ट्रैकल करने के लिए उत्तरी अमेरिका ट्रेन अभियोलिक के क्रेफियस में यात्रा डाल जाता है। जब तक कि ट्रेन फेंकने की कोशिश कर जाती है तो श्रेणी चेतावनी देता है कि यह नहीं होना चाहिए। रेटियल द फ्रेटल उसके माता पिता चाचा से यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सीना नोमैड्स मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2009 की मैक्सिनर अमेरिकी शायक की थ्रिलर फिल्म है जिसे कैरी जोजी फेकिलनाग द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक कैटल लड़की के बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है और एक लड़का ग्रेरी के जीवन की हिंसा में पकड़ा गया है। निर्देशन कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा लिखित कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा उत्पादित एमी कम्फेमैन अभिनेती प्लाइन गैथनी ड्रेनी फ्रेशर क्रिस्टिनी फ्रेरिक छायांकन एड्रियन क्लेमेन द्वारा संपादित लूसी कार्वियर क्रोमैक संगीत दिया है मार्सी जेब्रोश उत्पादक कंपनियां प्राथमिक प्रोड्यूसर कना फिल्म फ्रेडिक फिल्म द्वारा वितरित फंकस फ्रेची संयुक्त राज्य यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि जनवरी 18
2009 सन डांस मार्च 20 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका 15 मई 2009 कार्यकारी समय 96 मिनट देश मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा स्पेंसी बजट 7 मिलियन डेली जॉन और गेल गर्मिया वेनर स्पेंसी भाषा की फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे। 2009 सन डांस फिल्म फेस्टिवल में सिन निर्मित और छायांकन के लिए पुरस्कार जीते। बिल्ली उपनाम एक क्रेसियर मार स्लेविट ग्राहकों का सदस्य है। गैवॉट माला के साथ सीमा के साथ मैक्सिवर शहर ताप चलिए में रहता है। वह अपने ग्राहकों में एक युवा लड़के का परिचय देते हैं और हिंसक दीक्षा के बाद लड़के को स्नेमी उपनाम दिया जाता है। कैप्सर बाद में स्लैमी को एक प्रतिद्वंद्वी ग्राहकों के सदस्य को मारने में मदद करके इस तथ्य को पूरा करने में मदद करती है। कैसन के लड़की मैथ्यू मार्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी सुरक्षा के डर से वह अपने ग्राहकों से रिश्ते को गुप्त रखता है, लेकिन उसका दोहराय जीवन उसके ग्राहकों को उसकी वफादारी पर संदेश करने का कारण बताता है। जब मैथी किस्पेरी को अपने ग्राहकों के एक समूह में ले जाती है तो कैप्सियर की गलतफहमी के बावजूद ग्राहकों के नेता ली मेगन उसे बाहर ले जाते हैं। मांगू ने मार्थी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और गलती से उसे मार डाला। बाद में वह लापरवाही से क्रेपी से कहता है कि वह एक और लड़की ढूंढ लेगा। कुछ ही समय बाद मैगी कैफर और साइमली को लावेमी में लाता है, जो रैली की फ्रेटियों के साथ एक स्थान है जहां संभावित स्टोनी प्रयास संयुक्त राज्य के स्थानों ट्रेनों को पार करने से दूर हो जाते हैं। प्रेसियों में से एक हेरेडी परिवार है जिससे पहले शुरू किया गया था, जिसमें किशोर लड़की सराया, उसके पिता और उसकी चाचा शामिल हैं, जो न्यू जर्सी में रिश्तेदारों के रास्ते जा रहे हैं। ली मांगो कैम्पियल और स्पेंसी यात्राओं को लड़ते हैं, जबकि पास कोई पैसा नहीं है। जब तक कि लीला मैगी साड़ी को नहीं देखता है और उसे बलात्कार करने का प्रयास नहीं करता है, किस्वेन से स्टेप्स और मग्या को मार देता है और फ्रेशी स्माइली को भेजता है। स्माइली ग्राहकों में वापस जाती है और मांगो की मृत्यु को मौत की रिपोर्ट ग्राहकों से नेतरीय शामिल आगेदारी करती है। मेटल ऑफ द आरोपिक से गौरती है कि सबूतों के वृद्धि के कैफियर भोजन की भूख मांगता है और एलिशी समूत स्पेंसी कंप्यूटर का ट्रैकल करने के लिए उत्तरी अमेरिका ट्रेन अभियोलिक के क्रेपियश में यात्रा डाल जाता है। जब तक कि ट्रेन फेंकने की कोशिश कर जाती है, तश्रे ने चेतावनी देता है कि यह नहीं होना चाहिए। रेटियल द फ्रेटल उसके माता पिता चाचा से यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है।
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सीना नोमैड्स मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2009 की मैक्सिनर अमेरिकी शायक की थ्रिलर फिल्म है, जिसे कैरी जोजी फेकिलनाग द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक खेटौल लड़की के बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, और एक लड़का ग्रैरी के जीवन की हिंसा में पकड़ा गया है। निर्देशन कैरी जोजी फंकलनैक द्वारा लिखित कैरी जोजी फंकलनैक द्वारा उत्पादित एमी कम्फेमैन अभिनेती प्लाइन गैथनी ड्रेनी फ्रेशर क्रिस्टिनी फ्रेरिक छायांकन एड्रियन क्लेमेन द्वारा संपादित लूसी कार्वियर क्रोमैक संगीत दिया है मार्सी जेब्रोश उत्पादक कंपनियां प्राथमिक प्रोड्यूसर कना फिल्म फ्रेडिक फिल्म द्वारा वितरित फंकस फ्रेची संयुक्त राज्य यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि जनवरी 18, 2009 सनडांस मार्च 20, 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका 15 मई 2009 कार्यकारी समय 96 मिनट 23 मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा स्पेंसी बजट 7 मिलियन डेली जॉन और गेल गर्मिया वेनर स्पेंसी भाषा की फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे। 2009 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में सिन निर्मित और छायांकन के लिए पुरस्कार जीते। विलय उपनाम एक क्रेसियर मार स्लेविट ग्राहकों का सदस्य है। गैवॉट माला के साथ सीमा के साथ मैक्सिवर शहर ताप चलिए में रहता है। वह अपने ग्राहकों में एक युवा लड़के का परिचय देते हैं, और हिंसक दीक्षा के बाद लड़के को स्नेमी उपनाम दिया जाता है। कैप्सर बाद में स्लैमी को एक प्रतिद्वंद्वी ग्राहकों के सदस्य को मारने में मदद करके इस तथ्य को पूरा करने में मदद करती है। कैसन के लड़की मैथ्यू मार्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी सुरक्षा के डर से वह अपने ग्राहकों से रिश्ते को गुप्त रखता है, लेकिन उसका दोहराए जीवन उसके ग्राहकों को उसकी वफादारी पर संदेश करने का कारण बताता है। जब मैथी किस्पेरी को अपने ग्राहकों के एक समूह में ले जाती है, तो कैप्सियर की गलतफहमी के बावजूद ग्राहकों के नेता ली मेगन उसे बाहर ले जाते हैं। मांगू ने मार्थी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और गलती से उसे मार डाला। बाद में वह लापरवाही से क्रेपी से कहता है कि वह एक और लड़की ढूंढ लेगा।
लिया। कुछ ही समय बाद मैगी कैफर और साइमली को लावेमी में लाता है, जो रैली की प्रेटियों के साथ एक स्थान है जहां संभावित स्टोनी प्रयास संयुक्त राज्य के स्थानों ट्रेनों को पार करने से दूर हो जाते हैं। प्रेसियों में से एक हेरेडी परिवार है जिससे पहले शुरू किया गया था, जिसमें किशोर लड़की सराया, उसके पिता और उसकी चाचा शामिल हैं, जो न्यू जर्सी में रिश्तेदारों के रास्ते जा रहे हैं। ली मांगो कंफियल और स्पेंसी यात्राओं को लड़ते हैं, जब कि पास कोई पैसा नहीं है, जब तक कि लीला मैगी शारी को नहीं देखता है और उसे बलात्कार करने का प्रयास नहीं करता है। किस्वेंसी स्टेप्स और मग्या को मार देता है और फ्रिशी स्माइली को भेजता है। स्माइली ग्राहकों में वापस जाती है और मांगों की मृत्यु को मौत की रिपोर्ट ग्राहकों से नेतरिया शामिल आगेदारी करती है। मेटल ऑफ द आरोपी से गौरती है कि सबूतों के वृद्धि के कैफियर भोजन की भूख मांगता है और एलिशी समूत स्पेंसी कंप्यूटर का ट्रैकल करने के लिए उत्तरी अमेरिका ट्रेन अभियोलिक के क्रैफियस में यात्रा डाल जाता है। जब तक कि ट्रेन फेंकने की कोशिश कर जाती है, तो श्रेन चेतावनी देता है कि यह नहीं होना चाहिए। रेटियल द फ्रेटल उसके माता पिता चाचा से यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सीना नोमैड्स मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2009 की मैक्सिनर अमेरिकी शायक की थ्रिलर फिल्म है, जिसे कैरी जोजी फेकिलनाग द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक कैटर लड़की के बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, और एक लड़का ग्रेरी के जीवन की हिंसा में पकड़ा गया है। निर्देशन कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा लिखित कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा उत्पादित एमी कम्फेमैन अभिनेती प्लाइन गैथनी ड्रेनी फ्रेशर क्रिस्टिनी फ्रेरिक छायांकन एड्रियन क्लेमेन द्वारा संपादित लूसी कार्वियर क्रोमैक संगीत दिया है मार्सी जेब्रोश उत्पादक कंपनियां प्राथमिक प्रोड्यूसर कना फिल्म फ्रेडिक फिल्म द्वारा लेवित्रित फंकस फ्रेची संयुक्त राज्य यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि जनवरी 18, 2009 सनडांस मार्च 20, 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका 15 मई 2009 कार्यकारी समय 96 मिनट 23 मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका बस एक्सपेंसी बजट 7 मिलियन डेली योन और गेल गर्मिया वेनर स्पेंसी भाषा की फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे। 2009 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में सिन निर्मित और छायांकन के लिए पुरस्कार जीते। विलय उपनाम एक क्रेसियर मार स्लेविट ग्राहकों का सदस्य है।
गयवोट माला के साथ, सीमा के साथ, मैक्सेवर शहर तापचल्य में रहता है। वह अपने ग्राहकों में एक युवा लड़के का परिचय देते हैं और हिंसक दीक्षा के बाद लड़के को स्नेमी उपनाम दिया जाता है। कैप्सर बाद में स्लैमी को एक प्रतिद्रव्य ग्राहकों के सदस्य को मारने में मदद करके इस तथ्य को पूरा करने में मदद करती है। कैसन के लड़की मैथ्यू मार्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी सुरक्षा के डर से वह अपने ग्राहकों से रिश्ते को गुप्त रखता है, लेकिन उसका दोहराय जीवन उसके ग्राहकों को उसकी वफादारी पर संदेह करने का कारण बताता है। जब मैरथी किस्पेरी को अपने ग्राहकों के एक समूह में ले जाती है तो कैप्सियर की गलतफहमी के बावजूद ग्राहकों के नेता ली मेगन उसे बाहर ले जाते हैं। मांगो ने मार्थी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और गलती से उसे मार डाला। बाद में वह लापरवाही से क्रेपी से कहता है कि वह एक और लड़की ढूंढ लेगा। लिया कुछ ही समय बाद मैगी कैफर और साइमली को लावेमी में लाता है, जो रैली की प्रेटियो के साथ एक स्थान है जहां संभावित इस्टोनी प्रयास संयुक्त राज्य के स्थानों ट्रेनों को पार करने से दूर हो जाते हैं। प्रेसियों में से एक हेरेडी परिवार है जिससे पहले शुरू किया गया था, जिसमें किशोर लड़की सराया, उसके पिता और उसकी चाचा शामिल हैं, जो न्यू जर्सी में रिश्तेदारों के रास्ते जा रहे हैं। ली मांगो कैम्पियल और स्पेंसी यात्राओं को लड़ते हैं, जबकि पास कोई पैसा नहीं है। जब तक कि लीला मैगी साड़ी को नहीं देखता है और उसे बलात्कार करने का प्रयास नहीं करता है, किस्वेंसी स्टेप्स और मग्या को मार देता है और फ्रेशी स्माइली को भेजता है। स्माइली ग्राहकों में वापस जाती है और मांगो की मृत्यु को मौत की रिपोर्ट ग्राहकों से नेतरीय शामिल भागीदारी करती है। बैटल ऑफ द आरोफिक से गौड़ती है कि सबूतों के वृद्धि के कैफियत भोजन की भूख मांगता है और एलिशी समूत स्पेंसी कंप्यूटर का ट्रैकल करने के लिए उत्तरी अमेरिका ट्रेन अभियोलिक के क्रेफियस में यात्रा डाल जाता है। जब तक कि ट्रेन फेंकने की कोशिश कर जाती है तो श्रेणी चेतावनी देता है कि यह नहीं होना चाहिए। रेटियल द फ्रेटल उसके माता पिता चाचा से यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सीना नोमैड्स मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2009 की मैक्सिनर अमेरिकी शायक की थ्रिलर फिल्म है जिसे कैरी जोजी फेकिलनाग द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक कैटल लड़की के बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, और एक लड़का ग्रेरी के
जीवन की हिंसा में पकड़ा गया है। निर्देशन कैरी जोजी फंकल नेक द्वारा लिखित, कैरी जोजी फंकल नेक द्वारा उत्पादित, एमी कम्फेमैन अभिनेती, प्लाइन गैतनी, ड्रेनी फ्रेशर, क्रिस्टिनी फ्रेरिक, छायांकन एड्रियन क्लेमेन द्वारा संपादित, लूसी कार्वियर क्रोमैक, संगीत दिया है मार्सी जेब्रोश, उत्पादक कंपनियां प्राथमिक प्रोड्यूसर कना फिल्म फ्रेडिक फिल्म द्वारा लेवित्रित, फंकस फ्रेची संयुक्त राज्य यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलीज करने की तिथि January 18, 2009, सन डांस March 20, 2009, संयुक्त राज्य अमेरिका 15 मई 2009, कार्यकारी समय 96 मिनट, देश मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा स्पेनिश, बजट 7 मिलियन। डेली जॉन और गेल गर्मिया वेनर स्पेनिश भाषा की फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे। 2009 सन डांस फिल्म फेस्टिवल में सिन निर्मित और छायांकन के लिए पुरस्कार जीते। विलय उपनाम एक क्रेसियर मार स्लेविट ग्राहकों का सदस्य है। गैवॉट माला के साथ सीमा के साथ मैक्सिवर शहर ताप चलिय में रहता है। वह अपने ग्राहकों में एक युवा लड़के का परिचय देते हैं और हिंसक दीक्षा के बाद लड़के को स्नेमी उपनाम दिया जाता है। कैप्सर बाद में स्लेमी को एक प्रतिद्वंद्वी ग्राहकों के सदस्य को मारने में मदद करके इस तथ्य को पूरा करने में मदद करती है। कैसन के लड़की मैथ्यू मार्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी सुरक्षा के डर से वह अपने ग्राहकों से रिश्ते को गुप्त रखता है, लेकिन उसका दोहराए जीवन उसके ग्राहकों को उसकी वफादारी पर संदेश करने का कारण बताता है। जब मैथी किस्पेरी को अपने ग्राहकों के एक समूह में ले जाती है तो कैप्सियर की गलतफहमी के बावजूद ग्राहकों के नेता ली मेगन उसे बाहर ले जाते हैं। मांगो ने मार्थी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और गलती से उसे मार डाला। बाद में वह लापरवाही से क्रेपी से कहता है कि वह एक और लड़की ढूंढ लेगा। कुछ ही समय बाद मैगी कैफर और साइमली को लावेमी में लाता है, जो रैली की फ्रेटियों के साथ एक स्थान है जहां संभावित स्टोनी प्रयास संयुक्त राज्य के स्थानों ट्रेनों को पार करने से दूर हो जाते हैं। प्रेसियों में से एक हेरेडी परिवार है जिससे पहले शुरू किया गया था, जिसमें किशोर लड़की सराया, उसके पिता और उसकी चाचा शामिल हैं, जो न्यू जर्सी में रिश्तेदारों के रास्ते जा रहे हैं। ली मांगो कैम्पियल और स्पेंसी यात्राओं को लड़ते हैं, जबकि पास कोई पैसा नहीं है, जब तक कि लीला मैगी साड़ी को नहीं देखता है
और उसे बलात्कार करने का प्रयास नहीं करता है। स्वयं से स्टेप्स और मग्या को मार देता है और फ्रेशी स्माइली को भेजता है। स्माइली ग्राहकों में वापस जाती है और मांगों की मृत्यु को मौत की रिपोर्ट ग्राहकों से नेतरिया शामिल आगेदारी करती है। मेटल ऑफ द आरोपिक से गौरती है कि सबूतों के वृद्धि के कैफियत भोजन की भूख मांगता है और एलिशी समूत स्पेंसी कंप्यूटर का ट्रैकल करने के लिए उत्तरी अमेरिका ट्रेन अभियोलिक के कृपयश में यात्रा डाल जाता है। जब तक कि ट्रेन फेंकने की कोशिश कर जाती है तो श्रेय ने चेतावनी देता है कि यह नहीं होना चाहिए। रेटियल द फ्रेटल उसके माता पिता चाचा से यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सीना नोमैड्स मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2009 की मैक्सिनर अमेरिकी शायक की थ्रिलर फिल्म है जिसे कैरी जोजी फेकिलनाग द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक कैटल लड़की के बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है और एक लड़का ग्रेरी के जीवन की हिंसा में पकड़ा गया है। निर्देशन कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा लिखित कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा उत्पादित एमी कम्फेमैन अभिनेती प्लाइन गैतनी ड्रेनी फ्रेशर क्रिस्टिनी फ्रेरिक छायांकन एड्रियन क्लेमेन द्वारा संपादित लूसी कार्वियर क्रोमैक संगीत दिया है मार्सी जेब्रोश उत्पादक कंपनियां प्राथमिक प्रदूषर कना फिल्म फ्रेडिक फिल्म द्वारा वितरित फंकस फ्रेची संयुक्त राज्य यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि जनवरी 18, 2009 सनडांस मार्च 20, 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका 15 मई 2009 कार्यकारी समय 96 मिनट 23 मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा स्पेंसी बजट 7 मिलियन डेली जॉन और गेल गर्मिया वेनर स्पेंसी भाषा की फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे। 2009 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में सिन निर्मित और छायांकन के लिए पुरस्कार जीते। विलय उपनाम एक क्रेसियर मार स्लेविट ग्राहकों का सदस्य है। गैवॉट माला के साथ सीमा के साथ मैक्सिवर शहर तापचल्य में रहता है। वह अपने ग्राहकों में एक युवा लड़के का परिचय देते हैं और हिंसक दीक्षा के बाद लड़के को स्नेमी उपनाम दिया जाता है। कैप्सर बाद में स्लेमी को एक प्रतिद्वंद्वी ग्राहकों के सदस्य को मारने में मदद करके इस तथ्य को पूरा करने में मदद करती है। कैप्सन के लड़की मैथ्यू मार्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी सुरक्षा के डर से
वह अपने ग्राहकों से रिश्ते को गुप्त रखता है, लेकिन उसका दोहराय जीवन उसके ग्राहकों को उसकी वफादारी पर संदेह करने का कारण बताता है। जब मैराथी किस्पेरी को अपने ग्राहकों के एक समूह में ले जाती है तो कैप्सियर की गलतफहमी के बावजूद ग्राहकों के नेता ली मैगन उसे बाहर ले जाते हैं। मांगू ने मार्थी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और गलती से उसे मार डाला। बाद में वह लापरवाही से क्रेपी से कहता है कि वह एक और लड़की ढूंढ लेगा। कुछ ही समय बाद मैगी केफर और साइमली को लावेमी में लाता है, जो रैली की फ्रेटियों के साथ एक स्थान है जहां संभावित स्टोनी प्रयास संयुक्त राज्य के स्थानों ट्रेनों को पार करने से दूर हो जाते हैं। प्रेसियों में से एक हेरेडी परिवार है जिससे पहले शुरू किया गया था, जिसमें किशोर लड़की सराया, उसके पिता और उसकी चाचा शामिल हैं, जो न्यू जर्सी में रिश्तेदारों के रास्ते जा रहे हैं। ली मांगो कैम्पियल और स्पेंसी यात्राओं को लड़ते हैं, जब कि पास कोई पैसा नहीं है। जब तक कि लीला मैगी शारी को नहीं देखता है और उसे बलात्कार करने का प्रयास नहीं करता है, किस्वेन से स्टेप्स और मग्या को मार देता है और फ्रेशी स्माइली को भेजता है। स्माइली ग्राहकों में वापस जाती है और मांगों की मृत्यु को मौत की रिपोर्ट ग्राहकों से नेतरिया शामिल आगेदारी करती है। मेटल ऑफ द आरोपी से गौरती है कि सबूतों के वृद्धि के कैफियत भोजन की भूख मांगता है और एलिशी समूत स्पेंसी कंप्यूटर का ट्रैकल करने के लिए उत्तरी अमेरिका ट्रेन अभियोलिक के क्रेपियस में यात्रा डाल जाता है। जब तक कि ट्रेन फेंकने की कोशिश कर जाती है तो श्रेय ने चेतावनी देता है कि यह नहीं होना चाहिए। रेटियल द फ्रेटल उसके माता पिता चाचा से यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सीना नोमैड्स मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2009 की मैक्सिनर अमेरिकी शायक की थ्रिलर फिल्म है जिसे कैरी जोजी फेकिलनाग द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक कैटर लड़की के बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है और एक लड़का ग्रेरी के जीवन की हिंसा में पकड़ा गया है। निर्देशन कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा लिखित कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा उत्पादित एमी कम्फेमैन अभिनेती प्लाइन गैथनी ड्रेनी फ्रेशर क्रिस्टिनी फ्रेरिक छायांकन एड्रियन क्लेमेन द्वारा संपादित लूसी कार्वियर क्रोमैक संगीत दिया है मार्सी जेब्रोश उत्पादक कंपनियां प्राथमिक प्रोड्यूसर कना फिल्म फ्रेडिक फिल्म द्वारा ले वितरित फंकस फ्रेंची संयुक्त राज्य
योनिव्रत पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि जनवरी 18, 2009, सन डांस मार्च 20, 2009, संयुक्त राज्य अमेरिका 15 मई 2009, कार्यकारी समय 96 मिनट 23, मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा स्पेंसी, बजट 7 मिलियन, डेली योन और गैल गर्मिया वेनर स्पेंसी भाषा की फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे। 2009 सन डांस फिल्म फेस्टिवल में सिन निर्मित और छायांकन के लिए पुरस्कार जीते। विलय उपनाम एक क्रेसियर मार स्लेविट ग्राहकों का सदस्य है। गैवॉट माला के साथ सीमा के साथ मैक्सिवर शहर तापचल्य में रहता है। वह अपने ग्राहकों में एक युवा लड़के का परिचय देते हैं और हिंसक दीक्षा के बाद लड़के को स्नेमी उपनाम दिया जाता है। कैप्सर बाद में स्लैमी को एक प्रतिद्वंद्वी ग्राहकों के सदस्य को मारने में मदद करके इस तथ्य को पूरा करने में मदद करती है। कैसन के लड़की मैथ्यू मार्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी सुरक्षा के डर से वह अपने ग्राहकों से रिश्ते को गुप्त रखता है, लेकिन उसका दोहराय जीवन उसके ग्राहकों को उसकी वफादारी पर संदेह करने का कारण बताता है। जब मैथ्यू किस्पेरी को अपने ग्राहकों के एक समूह में ले जाती है तो कैप्सियर की गलतफहमी के बावजूद ग्राहकों के नेता ली मेगन उसे बाहर ले जाते हैं। मांगो ने मार्थी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और गलती से उसे मार डाला। बाद में वह लापरवाही से क्रेपी से कहता है कि वह एक और लड़की ढूंढ लेगा। लिया कुछ ही समय बाद मैगी कैफर और साइमली को लावेमी में लाता है, जो रैली की प्रेटियों के साथ एक स्थान है जहां संभावित स्टोनी प्रयास संयुक्त राज्य के स्थानों ट्रेनों को पार करने से दूर हो जाते हैं। प्रेसियों में से एक हेरेडी परिवार है जिससे पहले शुरू किया गया था, जिसमें किशोर लड़की सराया, उसके पिता और उसकी चाचा शामिल हैं, जो न्यू जर्सी में रिश्तेदारों के रास्ते जा रहे हैं। ली मांगो कैम्पियल और स्पेंसी यात्राओं को लड़ते हैं, जबकि पास कोई पैसा नहीं है। जब तक कि लीला मैगी साड़ी को नहीं देखता है और उसे बलात्कार करने का प्रयास नहीं करता है, स्पेंसी स्टेप्स और मग्या को मार देता है और फ्रिशी स्माइली को भेजता है। स्माइली ग्राहकों में वापस जाती है और मांगो की मृत्यु को मौत की रिपोर्ट ग्राहकों से नेतरीय शामिल भागीदारी करती है। बैटल ऑफ द आरोफिक से गौड़ती है कि सबूतों के वृद्धि के कैफियत भोजन की भूख मांगता है और एलिशी समूत स्पेंसी कंप्यूटर का ट्रैकल करने के लिए उत्तरी अमेरिका ट्रेन अभियोलिक के क्रेफियस में यात्रा डाल जाता है। जब तक कि ट्रेन फेंकने की कोशिश कर जाती है तो श्रेय ने चेतावनी देता है कि यह नहीं होना चाहिए। रेटी और
द फ्रेटल उसके माता पिता चाचा से यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सीना नोमैड्स मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2009 की मैक्सिनर अमेरिकी शायक की थ्रिलर फिल्म है जिसे कैरी जोजी फेकिलनाग द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक कैटल लड़की के बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, और एक लड़का ग्रैरी के जीवन की हिंसा में पकड़ा गया है। निर्देशन कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा लिखित कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा उत्पादित एमी कम्फेमैन अभिनेती प्लाइन गैथनी ड्रेनी फ्रेशर क्रिस्टिनी फ्रेरिक छायांकन एड्रियन क्लेमेन द्वारा संपादित लूसी कार्वियर क्रोमैक संगीत दिया है मार्सी जेब्रोश उत्पादक कंपनियां प्राथमिक प्रोड्यूसर कना फिल्म फ्रेडिक फिल्म द्वारा वितरित फंकस फ्रेची संयुक्त राज्य यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि जनवरी 18, 2009 सनडांस मार्च 20, 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका 15 मई 2009 कार्यकारी समय 96 मिनट देश मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा स्पेंसी बजट 7 मिलियन डेली यौन और गैल गर्मिया वेनर स्पेंसी भाषा की फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे। 2009 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में सिन निर्मित और छायांकन के लिए पुरस्कार जीते। विलय उपनाम एक क्रेसियर मार स्लेविट ग्राहकों का सदस्य है। गैवॉट माला के साथ सीमा के साथ मैक्सिवर शहर ताप चलिय में रहता है। वह अपने ग्राहकों में एक युवा लड़के का परिचय देते हैं और हिंसक दीक्षा के बाद लड़के को स्नेमी उपनाम दिया जाता है। कैप्सर बाद में स्लेमी को एक प्रतिद्वंद्वी ग्राहकों के सदस्य को मारने में मदद करके इस तथ्य को पूरा करने में मदद करती है। कैसन के लड़की मैथ्यू मार्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी सुरक्षा के डर से वह अपने ग्राहकों से रिश्ते को गुप्त रखता है, लेकिन उसका दोहराए जीवन उसके ग्राहकों को उसकी वफादारी पर संदेश करने का कारण बताता है। जब मैथी किस्पेरी को अपने ग्राहकों के एक समूह में ले जाती है तो कैप्सियर की गलतफहमी के बावजूद ग्राहकों के नेता ली मैगन उसे बाहर ले जाते हैं। मांगो ने मार्थी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और गलती से उसे मार डाला। बाद में वह लापरवाही से
क्रैपी से कहता है कि वह एक और लड़की ढूंढ लेगा। कुछ ही समय बाद मैगी कैफर और साइमली को लावेमी में लाता है, जो रैली की फ्रेटियों के साथ एक स्थान है जहां संभावित स्टोनी प्रयास संयुक्त राज्य के स्थानों ट्रेनों को पार करने से दूर हो जाते हैं। प्रेसियों में से एक हेरेडी परिवार है जिससे पहले शुरू किया गया था, जिसमें किशोर लड़की सराया, उसके पिता और उसकी चाचा शामिल हैं, जो न्यू जर्सी में रिश्तेदारों के रास्ते जा रहे हैं। ली मांगो कैम्पियल और स्पेंसी यात्राओं को लड़ते हैं, जब कि पास कोई पैसा नहीं है, जब तक कि लीला मैगी साड़ी को नहीं देखता है और उसे बलात्कार करने का प्रयास नहीं करता है। किस्वेन से स्टेप्स और मग्या को मार देता है और फ्रेशी स्माइली को भेजता है। स्माइली ग्राहकों में वापस जाती है और मांगो की मृत्यु को मौत की रिपोर्ट ग्राहकों से नेतरिया शामिल आगेदारी करती है। मेटल ऑफ द आरोपिक से गौरती है कि सबूतों के वृद्धि के कैफियल भोजन की भूख मांगता है और एलिशी समूत स्पेंसी कंप्यूटर का ट्रैकल करने के लिए उत्तरी अमेरिका ट्रेन अभियोलिक के क्रैपियश में यात्रा डाल जाता है। जब तक कि ट्रेन फेंकने की कोशिश कर जाती है, तश्री ने चेतावनी देता है कि यह नहीं होना चाहिए। रेटियल द फ्रेटल उसके माता पिता चाचा से यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सीना नोमैड्स मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2009 की मैक्सिनर अमेरिकी शायक की थ्रिलर फिल्म है, जिसे कैरी जोजी फेकिलनाग द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक कैटल लड़की के बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, और एक लड़का ग्रेरी के जीवन की हिंसा में पकड़ा गया है। निर्देशन कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा लिखित कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा उत्पादित एमी कम्फेमैन अभिनेती प्लाइन गैतनी ड्रेनी फ्रेशर क्रिस्टिनी फ्रेरिक छायांकन एड्रियन क्लेमेन द्वारा संपादित लूसी कार्वियर क्रोमैक संगीत दिया है मार्सी जेब्रोश उत्पादक कंपनियां प्राथमिक प्रोड्यूसर कना फिल्म फ्रेडिक फिल्म द्वारा वितरित फंकस फ्रेची संयुक्त राज्य यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि जनवरी 18, 2009 सनडांस मार्च 20, 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका 15 मई 2009 कार्यकारी समय 96 मिनट 23 मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा स्पेंसी बजट 7 मिलियन डेली जॉन और गेल गर्मिया वेनर स्पेंसी भाषा की फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे। 2009 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में सिन निर्मित और छायांकन के
लिए पुरस्कार जीते। विलय उपनाम एक क्रेसियर मार स्लेविट ग्राहकों का सदस्य है। गैवॉट माला के साथ सीमा के साथ मैक्सेवर शहर ताप चलिए में रहता है। वह अपने ग्राहकों में एक युवा लड़के का परिचय देते हैं और हिंसक दीक्षा के बाद लड़के को स्नेमी उपनाम दिया जाता है। कैप्सर बाद में स्लेमी को एक प्रतिद्वंद्वी ग्राहकों के सदस्य को मारने में मदद करके इस तथ्य को पूरा करने में मदद करती है। कैसन के लड़की मैथ्यू मार्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी सुरक्षा के डर से वह अपने ग्राहकों से रिश्ते को गुप्त रखता है, लेकिन उसका दोहराय जीवन उसके ग्राहकों को उसकी वफादारी पर संदेश करने का कारण बताता है। जब मैथी किस्पेरी को अपने ग्राहकों के एक समूह में ले जाती है तो कैप्सियर की गलतफहमी के बावजूद ग्राहकों के नेता ली मेगन उसे बाहर ले जाते हैं। मांगू ने मार्थी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और गलती से उसे मार डाला। बाद में वह लापरवाही से क्रेपी से कहता है कि वह एक और लड़की ढूंढ लेगा। कुछ ही समय बाद मैगी कैफर और साइमली को लावेमी में लाता है, जो रैली की फ्रेटियों के साथ एक स्थान है जहां संभावित स्टोनी प्रयास संयुक्त राज्य के स्थानों ट्रेनों को पार करने से दूर हो जाते हैं। प्रेसियों में से एक हेरेडी परिवार है जिससे पहले शुरू किया गया था, जिसमें किशोर लड़की सराया, उसके पिता और उसकी चाचा शामिल हैं, जो न्यू जर्सी में रिश्तेदारों के रास्ते जा रहे हैं। ली मांगो कंफियल और स्पेंसी यात्राओं को लड़ते हैं, जब कि पास कोई पैसा नहीं है। जब तक कि लीला मैगी शारी को नहीं देखता है और उसे बलात्कार करने का प्रयास नहीं करता है, किस्वेन से स्टेप्स और मग्या को मार देता है और फ्रिशी स्माइली को भेजता है। स्माइली ग्राहकों में वापस जाती है और मांगों की मृत्यु को मौत की रिपोर्ट ग्राहकों से नेतरिया शामिल आगेदारी करती है। मेटल ऑफ द आरोपी से गौड़ती है कि सबूतों के वृद्धि के कैफियर भोजन की भूख मांगता है और एलिशी समूत स्पेंसी कंप्यूटर का ट्रैकल करने के लिए उत्तरी अमेरिका ट्रेन अभियोलिक के क्रेपियस में यात्रा डाल जाता है। जब तक कि ट्रेन फेंकने की कोशिश कर जाती है तो श्रेणी चेतावनी देता है कि यह नहीं होना चाहिए। रेटियल द फ्रेटल उसके माता पिता चाचा से यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सीना नोमैड्स मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2009 की मैक्सिनर अमेरिकी शायक की थ्रिलर फिल्म है जिसे कैरी जोजी फेकिलनाग द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक खेटौल लड़की के
बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, और एक लड़का ग्रैरी के जीवन की हिंसा में पकड़ा गया है। निर्देशन कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा लिखित, कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा उत्पादित, एमी कम्फेमैन अभिनेती, प्लाइन गैथनी, ड्रेनी फ्रेशर, क्रिस्टिनी फ्रेरिक, छायांकन एड्रियन क्लेमेन द्वारा संपादित, लूसी कार्वियर क्रोमैक संगीत दिया है, मार्सी जेब्रोश, उत्पादक कंपनियां प्राथमिक प्रोड्यूसर कना फिल्म फ्रेडिक फिल्म द्वारा लेवित्रित, फंकस फ्रेंची संयुक्त राज्य यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि जनवरी 18, 2009, सनडांस मार्च 20, 2009, संयुक्त राज्य अमेरिका 15 मई 2009, कार्यकारी समय 96 मिनट 23, मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका, वास एक्सपेंसी बजट 7 मिलियन, डेली जॉन और गेल गर्मिया वेनर स्पेंसी भाषा की फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे। 2009 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में सिन निर्मित और छायांकन के लिए पुरस्कार जीते। विलय उपनाम एक क्रेसियर मार स्लेविट ग्राहकों का सदस्य है। गैवॉट माला के साथ सीमा के साथ मैक्सिवर शहर तापचल्य में रहता है। वह अपने ग्राहकों में एक युवा लड़के का परिचय देते हैं और हिंसक दीक्षा के बाद लड़के को स्नेमी उपनाम दिया जाता है। कैप्सर बाद में स्लैमी को एक प्रतिद्वंद्वी ग्राहकों के सदस्य को मारने में मदद करके इस तथ्य को पूरा करने में मदद करती है। कैसन के लड़की मैथ्यू मार्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी सुरक्षा के डर से वह अपने ग्राहकों से रिश्ते को गुप्त रखता है, लेकिन उसका दोहरा जीवन उसके ग्राहकों को उसकी वफादारी पर संदेह करने का कारण बताता है। जब मैथ्यू किस्पेरी को अपने ग्राहकों के एक समूह में ले जाती है, तो कैप्सियर की गलतफहमी के बावजूद ग्राहकों के नेता ली मेगन उसे बाहर ले जाते हैं। मांगो ने मार्थी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और गलती से उसे मार डाला। बाद में वह लापरवाही से क्रेपी से कहता है कि वह एक और लड़की ढूंढ लेगा। लिया कुछ ही समय बाद मैगी कैफर और साइमली को लावेमी में लाता है, जो रैली की प्रेटियो के साथ एक स्थान है जहां संभावित स्टोनी प्रयास संयुक्त राज्य के स्थानों ट्रेनों को पार करने से दूर हो जाते हैं। प्रेसियो में से एक हेरेडी परिवार है जिससे पहले शुरू किया गया था, जिसमें किशोर लड़की सराया, उसके पिता और उसकी चाचा शामिल हैं, जो न्यू जर्सी में रिश्तेदारों के रास्ते जा रहे हैं।
ली मांगो कंफियल और स्पेंसी यात्राओं को लड़ते हैं, जब कि पास कोई पैसा नहीं है, जब तक कि लीला मैगी साड़ी को नहीं देखता है और उसे बलात्कार करने का प्रयास नहीं करता है, स्पेंसी स्टेप्स और मैग्या को मार देता है और फ्रेशी स्माइली को बेचता है। स्माइली ग्राहकों में वापस जाती है और मांगो की मृत्यु को मौत की रिपोर्ट ग्राहकों से नेतरीय शामिल आगेदारी करती है। मेटल ऑफ द आरोपी से गौरती है कि सबूतों के वृद्धि के कैफियत भोजन की भूख मांगता है और एलिशी समूत स्पेंसी कंप्यूटर का ट्रैकल करने के लिए उत्तरी अमेरिका ट्रेन अभियोलिक के क्रैपियश में यात्रा डाल जाता है। जब तक कि ट्रेन फेंकने की कोशिश कर जाती है तो श्रेय ने चेतावनी देता है कि यह नहीं होना चाहिए। रेटियल द फ्रेटल उसके माता पिता चाचा से यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सीना नोमैड्स मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2009 की मैक्सिनर अमेरिकी शायक की थ्रिलर फिल्म है जिसे कैरी जोजी फेकिलनाग द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक कैटल लड़की के बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है और एक लड़का ग्रेरी के जीवन की हिंसा में पकड़ा गया है। निर्देशन कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा लिखित कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा उत्पादित एमी कम्फेमैन अभिनेती प्लाइन गैथनी ड्रेनी फ्रेशर क्रिस्टिनी फ्रेरिक छायांकन एड्रियन क्लेमेन द्वारा संपादित लूसी कार्वियर क्रोमैक संगीत दिया है मार्सी जेब्रोश उत्पादक कंपनियां प्राथमिक प्रोड्यूसर कना फिल्म फ्रेडिक फिल्म द्वारा वितरित फंकस फ्रेंची संयुक्त राज्य यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि जनवरी 18, 2009 सनडांस मार्च 20, 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका 15 मई 2009 कार्यकारी समय 96 मिनट 23 मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा स्पेंसी बजट 7 मिलियन डेली यौन और गैल गर्मिया वेनर स्पेंसी भाषा की फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे। 2009 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में सिन निर्मित और छायांकन के लिए पुरस्कार जीते। विलय उपनाम एक क्रेसियर मार स्लेविट ग्राहकों का सदस्य है। गैवॉट माला के साथ सीमा के साथ मैक्सिवर शहर ताप चलिए में रहता है। वह अपने ग्राहकों में एक युवा लड़के का परिचय देते हैं और हिंसक दीक्षा के बाद लड़के को स्नेमी उपनाम दिया जाता है। कैप्सर बाद में स्लेमी को एक प्रतिद्वंद्वी ग्राहकों के सदस्य को मारने में मदद करके इस दीक्षा को
पूरा करने में मदद करती है। कैसन के लड़की मैथ्यू मार्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी सुरक्षा के डर से वह अपने ग्राहकों से रिश्ते को गुप्त रखता है, लेकिन उसका दोहराय जीवन उसके ग्राहकों को उसकी वफादारी पर संदेह करने का कारण बताता है। जब मैथ्यू किस्पेरी को अपने ग्राहकों के एक समूह में ले जाती है तो कैप्सियर की गलतफहमी के बावजूद ग्राहकों के नेता ली मैगन उसे बाहर ले जाते हैं। मांगू ने मार्थी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और गलती से उसे मार डाला। बाद में वह लापरवाही से क्रेपी से कहता है कि वह एक और लड़की ढूंढ लेगा। कुछ ही समय बाद मैगी कैफर और साइमली को लावेमी में लाता है, जो रैली की फ्रेटियों के साथ एक स्थान है जहां संभावित स्टोनी प्रयास संयुक्त राज्य के स्थानों ट्रेनों को पार करने से दूर हो जाते हैं। प्रेसियों में से एक हेरेडी परिवार है जिससे पहले शुरू किया गया था, जिसमें किशोर लड़की सराया, उसके पिता और उसकी चाचा शामिल हैं, जो न्यू जर्सी में रिश्तेदारों के रास्ते जा रहे हैं। ली मांगो कैम्पियल और स्पेंसी यात्राओं को लड़ते हैं, जबकि पास कोई पैसा नहीं है। जब तक कि लीला मैगी शारी को नहीं देखता है और उसे बलात्कार करने का प्रयास नहीं करता है, किस्वेन से स्टेप्स और मग्या को मार देता है और फ्रेशी स्माइली को भेजता है। स्माइली ग्राहकों में वापस जाती है और मांगो की मृत्यु को मौत की रिपोर्ट ग्राहकों से नेतरिया शामिल आगेदारी करती है। मेटल ऑफ द आरोपिक से गौरती है कि सबूतों के वृद्धि के कैफियर भोजन की भूख मांगता है और एलिशी समूत स्पेंसी कंप्यूटर का ट्रैकल करने के लिए उत्तरी अमेरिका ट्रेन अभियोलिक के क्रेपियश में यात्रा डाल जाता है। जब तक कि ट्रेन फेंकने की कोशिश कर जाती है, तश्रे ने चेतावनी देता है कि यह नहीं होना चाहिए। रेटियल द फ्रेटल उसके माता पिता चाचा से यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सीना नोमैड्स मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2009 की मैक्सिनर अमेरिकी शायक की थ्रिलर फिल्म है जिसे कैरी जोजी फेकिलनाग द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक कैटल लड़की के बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है और एक लड़का ग्रेरी के जीवन की हिंसा में पकड़ा गया है। निर्देशन कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा लिखित कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा उत्पादित एमी कम्फेमैन अभिनेती प्लाइन गैतनी ड्रेनी फ्रेशर क्रिस्टिनी फ्रेरिक छायांकन एड्रियन क्लेमेन द्वारा संपादित लूसी कार्वियर क्रोमैक संगीत दिया है मार्सी जेब्रोश
उत्पादक कंपनियां प्राथमिक प्रदूषण कना फिल्म फ्रेडिक फिल्म द्वारा वितरित फंकस फ्रेंची संयुक्त राज्य योनिवृत्त पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि जनवरी 18, 2009 सनडांस मार्च 20, 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका 15 मई 2009 कार्यकारी समय 96 मिनट 23 मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा स्पेंसी बजट 7 मिलियन डेली यौन और गैल गर्मिया वेनर स्पेंसी भाषा की फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे। 2009 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में सिन निर्मित और छायांकन के लिए पुरस्कार जीते। विलय उपनाम एक क्रेसियर मार स्लेविट ग्राहकों का सदस्य है। गैवॉट माला के साथ सीमा के साथ मैक्सिवर शहर ताप चलिए में रहता है। वह अपने ग्राहकों में एक युवा लड़के का परिचय देते हैं और हिंसक दीक्षा के बाद लड़के को स्नेमी उपनाम दिया जाता है। कैप्सर बाद में स्लेमी को एक प्रतिद्वंद्वी ग्राहकों के सदस्य को मारने में मदद करके इस तथ्य को पूरा करने में मदद करती है। कैसन के लड़की मैथ्यू मार्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी सुरक्षा के डर से वह अपने ग्राहकों से रिश्ते को गुप्त रखता है, लेकिन उसका दोहराय जीवन उसके ग्राहकों को उसकी वफादारी पर संदेश करने का कारण बताता है। जब मैथ्यू किस्पेरी को अपने ग्राहकों के एक समूह में ले जाती है तो कैप्सियर की गलतफहमी के बावजूद ग्राहकों के नेता ली मेगन उसे बाहर ले जाते हैं। मांगू ने मार्थी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और गलती से उसे मार डाला। बाद में वह लापरवाही से क्रेपी से कहता है कि वह एक और लड़की ढूंढ लेगा। कुछ ही समय बाद मैगी कैफर और साइमली को लावेमी में लाता है, जो रैली की प्रेटियों के साथ एक स्थान है जहां संभावित स्टोनी प्रयास संयुक्त राज्य के स्थानों ट्रेनों को पार करने से दूर हो जाते हैं। प्रेसियों में से एक हेरेडी परिवार है जिससे पहले शुरू किया गया था, जिसमें किशोर लड़की सराया, उसके पिता और उसकी चाचा शामिल हैं, जो न्यू जर्सी में रिश्तेदारों के रास्ते जा रहे हैं। ली मांगो कैम्पियल और स्पेंसी यात्राओं को लड़ते हैं, जब कि पास कोई पैसा नहीं है, जब तक कि लीला मैगी सारी को नहीं देखता है और उसे बलात्कार करने का प्रयास नहीं करता है। किस्वेन से स्टेप्स और मग्या को मार देता है और फ्रेशी स्माइली को भेजता है। स्माइली ग्राहकों में वापस जाती है और मांगों की मृत्यु को मौत की रिपोर्ट ग्राहकों से नेतरिया शामिल आगेदारी करती है। मेटल ऑफ द आरोपी से गौरती है कि सबूतों के वृद्धि के कैफियर भोजन की भूख मांगता है और एलिशी समूत स्पेंसी कंप्यूटर का ट्रैकल करने के लिए उत्तरी अमेरिका ट्रेन अभियोलिक के क्रेपियस में यात्रा डाल जाता है।
जब तक कि ट्रेन फेंकने की कोशिश कर जाती है, तो शेर ने चेतावनी देता है कि यह नहीं होना चाहिए। रेटियल द फ्रेटल उसके माता पिता चाचा से यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सीना नोमैड्स मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2009 की मैक्सिनर अमेरिकी शायक की थ्रिलर फिल्म है, जिसे कैरी जोजी फेकिलनाग द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक खेटर लड़की के बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, और एक लड़का ग्रैरी के जीवन की हिंसा में पकड़ा गया है। निर्देशन कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा लिखित कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा उत्पादित एमी कम्फेमैन अभिनेती प्लाइन गैथनी ड्रेनी फ्रेशर क्रिस्टिनी फ्रेरिक छायांकन एड्रियन क्लेमेन द्वारा संपादित लूसी कार्वियर क्रोमैक संगीत दिया है मार्सी जेब्रोश उत्पादक कंपनियां प्राथमिक प्रदूषर कना फिल्म फ्रेडिक फिल्म द्वारा लेवित्रित फंकस फ्रेची संयुक्त राज्य यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि जनवरी 18, 2009 सन डांस मार्च 20, 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका 15 मई 2009 कार्यकारी समय 96 मिनट 23 मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका वास एक्सपेंसिव बजट 7 मिलियन डेली योन और गेल गर्मिया वेनर स्पेंसी भाषा की फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे। 2009 सन डांस फिल्म फेस्टिवल में सिन निर्मित और छायांकन के लिए पुरस्कार जीते। विलय उपनाम एक क्रेसियर मार स्लेविट ग्राहकों का सदस्य है। गैवॉट माला के साथ सीमा के साथ मैक्सिवर शहर तापचल्य में रहता है। वह अपने ग्राहकों में एक युवा लड़के का परिचय देते हैं और हिंसक दीक्षा के बाद लड़के को स्नेमी उपनाम दिया जाता है। कैप्सर बाद में स्लैमी को एक प्रतिद्वंद्वी ग्राहकों के सदस्य को मारने में मदद करके इस तथ्य को पूरा करने में मदद करती है। कैसन के लड़की मैथ्यू मार्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी सुरक्षा के डर से वह अपने ग्राहकों से रिश्ते को गुप्त रखता है, लेकिन उसका दोहराय जीवन उसके ग्राहकों को उसकी वफादारी पर संदेश करने का कारण बताता है। जब मैथी किस्पेरी को अपने ग्राहकों के एक समूह में ले जाती है, तो कैप्सियर की गलतफहमी के बावजूद ग्राहकों के नेता ली मेगन उसे बाहर ले जाते हैं। मांगू ने मार्थी के साथ बलात्कार करने
का प्रयास किया और गलती से उसे मार डाला। बाद में वह लापरवाही से क्रेपी से कहता है कि वह एक और लड़की ढूंढ लेगा। कुछ ही समय बाद मैगी कैफर और साइमली को लावेमी में लाता है, जो रैली की प्रेटियो के साथ एक स्थान है जहां संभावित स्टोनी प्रयास संयुक्त राज्य के स्थानों ट्रेनों को पार करने से दूर हो जाते हैं। प्रेसियो में से एक हेरेडी परिवार है जिससे पहले शुरू किया गया था, जिसमें किशोर लड़की सराया, उसके पिता और उसकी चाचा शामिल हैं, जो न्यू जर्सी में रिश्तेदारों के रास्ते जा रहे हैं। ली मांगो कंफियल और स्पेंसी यात्राओं को लड़ते हैं, जबकि पास कोई पैसा नहीं है। जब तक कि लीला मैगी साड़ी को नहीं देखता है और उसे बलात्कार करने का प्रयास नहीं करता है, किस्वेंसी स्टेप्स और मग्या को मार देता है और फ्रेशी स्माइली को भेजता है। स्माइली ग्राहकों में वापस जाती है और मांगो की मृत्यु को मौत की रिपोर्ट ग्राहकों से नेतरीय शामिल भागीदारी करती है। बैटल ऑफ द आरोफिक से गौड़ती है कि सबूतों के वृद्धि के कैफियत भोजन की भूख मांगता है और एलिशी समूत स्पेंसी कंप्यूटर का ट्रैकल करने के लिए उत्तरी अमेरिका ट्रेन अभियोलिक के क्रेपियस में यात्रा डाल जाता है। जब तक कि ट्रेन फेंकने की कोशिश कर जाती है, तश्रे ने चेतावनी देता है कि यह नहीं होना चाहिए। रेटियोलर द फ्रेटल उसके माता पिता चाचा से यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सीना नोमैड्स मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2009 की मैक्सिनर अमेरिकी शायक की थ्रिलर फिल्म है जिसे कैरी जोजी फेकिलनाग द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक कैटल लड़की के बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है और एक लड़का ग्रेरी के जीवन की हिंसा में पकड़ा गया है। निर्देशन कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा लिखित कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा उत्पादित एमी कम्फेमैन अभिनेती प्लाइन गैतनी ड्रेनी फ्रेशर क्रिस्टिनी फ्रेरिक छायांकन एड्रियन क्लेमेन द्वारा संपादित लूसी कार्वियर क्रोमैक संगीत दिया है मार्सी जेब्रोश उत्पादक कंपनियां प्राथमिक प्रोड्यूसर कना फिल्म फ्रेडिक फिल्म द्वारा वितरित फंकस फ्रेची संयुक्त राज्य यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि जनवरी 18, 2009 सनडांस मार्च 20, 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका 15 मई 2009 कार्यकारी समय 96 मिनट 23 मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा स्पेंसी बजट 7 मिलियन डेली योन और गेल गर्मिया वेनर स्पेंसी भाषा की फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे।
2009 सन डांस फिल्म फेस्टिवल में सिंह निर्मित और छायांकन के लिए पुरस्कार जीते। बिल्ले उपनाम एक क्रेसियर मार स्लेविट ग्राहकों का सदस्य है। गैवॉट माला के साथ सीमा के साथ मैक्सेवर शहर ताप चलिए में रहता है। वह अपने ग्राहकों में एक युवा लड़के का परिचय देते हैं और हिंसक दीक्षा के बाद लड़के को स्नेमी उपनाम दिया जाता है। कैप्सर बाद में स्लैमी को एक प्रतिद्वंद्वी ग्राहकों के सदस्य को मारने में मदद करके इस तथ्य को पूरा करने में मदद करती है। कैसन के लड़की मैथ्यू मार्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी सुरक्षा के डर से वह अपने ग्राहकों से रिश्ते को गुप्त रखता है, लेकिन उसका दोहराय जीवन उसके ग्राहकों को उसकी वफादारी पर संदेह करने का कारण बताता है। जब मैथ्यू किस्पेरी को अपने ग्राहकों के एक समूह में ले जाती है तो कैप्सियर की गलतफहमी के बावजूद ग्राहकों के नेता ली मैगन उसे बाहर ले जाते हैं। मांगू ने मार्थी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और गलती से उसे मार डाला। बाद में वह लापरवाही से क्रेपी से कहता है कि वह एक और लड़की ढूंढ लेगा। कुछ ही समय बाद मैगी कैफर और साइमली को लावेमी में लाता है, जो रैली की फ्रेटियों के साथ एक स्थान है जहां संभावित स्टोनी प्रयास संयुक्त राज्य के स्थानों ट्रेनों को पार करने से दूर हो जाते हैं। प्रेसियों में से एक हेरेडी परिवार है जिससे पहले शुरू किया गया था, जिसमें किशोर लड़की सराया, उसके पिता और उसकी चाचा शामिल हैं, जो न्यू जर्सी में रिश्तेदारों के रास्ते जा रहे हैं। ली मांगो कैम्पियल और स्पेंसी यात्राओं को लड़ते हैं, जबकि पास कोई पैसा नहीं है। जब तक कि लीला मैगी साड़ी को नहीं देखता है और उसे बलात्कार करने का प्रयास नहीं करता है, किस्वेन से स्टेप्स और मग्या को मार देता है और फ्रेशी स्माइली को भेजता है। स्माइली ग्राहकों में वापस जाती है और मांगो की मृत्यु को मौत की रिपोर्ट ग्राहकों से नेतरिया शामिल आगेदारी करती है। मेटल ऑफ द आरोपिक से गौरती है कि सबूतों के वृद्धि के कैफियर भोजन की भूख मांगता है और एलिशी समूत स्पेंसी कंप्यूटर का ट्रैकल करने के लिए उत्तरी अमेरिका ट्रेन अभियोलिक के क्रेपियश में यात्रा डाल जाता है। जब तक कि ट्रेन फेंकने की कोशिश कर जाती है, तश्रे ने चेतावनी देता है कि यह नहीं होना चाहिए। रेटियल द फ्रेटल उसके माता पिता चाचा से यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सीना नोमैड्स मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2009 की मैक्सिनर अमेरिकी शायक की थ्रिलर फिल्म है जिसे कैरी जोजी फेकिलनाग द्वारा लिखित और
निर्देशित किया गया है। एक खेटौल लड़की के बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, और एक लड़का ग्रैरी के जीवन की हिंसा में पकड़ा गया है। निर्देशन कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा लिखित, कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा उत्पादित, एमी कम्फेमैन अभिनेती, प्लाइन गैतनी, ड्रेनी फ्रेशर, क्रिस्टिनी फ्रेरिक, छायांकन एड्रियन क्लेमेन द्वारा संपादित, लूसी कार्वियर क्रोमैक संगीत दिया है, मार्सी जेब्रोश, उत्पादक कंपनियां प्राथमिक प्रदूषर, कना फिल्म, फ्रेडिक फिल्म द्वारा वितरित, फंकस फ्रेची संयुक्त राज्य यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि जनवरी 18, 2009, सन डांस मार्च 20, 2009, संयुक्त राज्य अमेरिका 15 मई 2009, कार्यकारी समय 96 मिनट, देश मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा स्पेनिश, बजट 7 मिलियन। डेली जॉन और गेल गर्मिया वेनर स्पेनिश भाषा की फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे। 2009 सन डांस फिल्म फेस्टिवल में सिन निर्मित और छायांकन के लिए पुरस्कार जीते। विलय उपनाम एक क्रेसियर मार स्लेविट ग्राहकों का सदस्य है। गैवॉट माला के साथ सीमा के साथ मैक्सिवर शहर तापचल्य में रहता है। वह अपने ग्राहकों में एक युवा लड़के का परिचय देते हैं और हिंसक दीक्षा के बाद लड़के को स्नेमी उपनाम दिया जाता है। कैप्सर बाद में स्लैमी को एक प्रतिद्रव्य ग्राहकों के सदस्य को मारने में मदद करके इस तथ्य को पूरा करने में मदद करती है। कैसन के लड़की मैथ्यू मार्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी सुरक्षा के डर से वह अपने ग्राहकों से रिश्ते को गुप्त रखता है, लेकिन उसका दोहराए जीवन उसके ग्राहकों को उसकी वफादारी पर संदेश करने का कारण बताता है। जब मैथी किस्पेरी को अपने ग्राहकों के एक समूह में ले जाती है तो कैप्सियर की गलतफहमी के बावजूद ग्राहकों के नेता ली मेगन उसे बाहर ले जाते हैं। मांगू ने मार्थी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और गलती से उसे मार डाला। बाद में वह लापरवाही से क्रेपी से कहता है कि वह एक और लड़की ढूंढ लेगा। कुछ ही समय बाद मैगी कैफर और साइमली को लावेमी में लाता है, जो रैली की प्रेटियों के साथ एक स्थान है जहां संभावित स्टोनी प्रयास संयुक्त राज्य के स्थानों ट्रेनों को पार करने से दूर हो जाते हैं। प्रेसियों में से एक हेरेडी परिवार है जिससे पहले शुरू किया गया था, जिसमें किशोर लड़की सराया
उसके पिता और उसकी चाचा शामिल हैं, जो न्यू जर्सी में रिश्तेदारों के रास्ते जा रहे हैं। ली मांगो कैंपियल और स्पेंसी यात्राओं को लड़ते हैं, जब कि पास कोई पैसा नहीं है, जब तक कि लीला मैगी शारी को नहीं देखता है और उसे बलात्कार करने का प्रयास नहीं करता है। स्पेंसी स्टेप्स और मैगी को मार देता है और फ्रेशी स्माइली को भेजता है। स्माइली ग्राहकों में वापस जाती है और मांगों की मृत्यु को मौत की रिपोर्ट ग्राहकों से नेतरिया शामिल आगेदारी करती है। मेटल ऑफ द आरोपी से गौरते हैं कि सबूतों के वृद्धि के कैफियल भोजन की भूख मांगता है और एलिशी समूत स्पेंसी कंप्यूटर का ट्रैकल करने के लिए उत्तरी अमेरिका ट्रेन अभियोलिक के क्रैपियस में यात्रा डाल जाता है। जब तक कि ट्रेन फेंकने की कोशिश कर जाती है, तो श्रेणी चेतावनी देता है कि यह नहीं होना चाहिए। रेटियल द फ्रेटल उसके माता पिता चाचा से यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सीना नोमैड्स मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2009 की मैक्सिनर अमेरिकी शायक की थ्रिलर फिल्म है, जिसे कैरी जोजी फेकिलनाग द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक कैटर लड़की के बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, और एक लड़का ग्रैरी के जीवन की हिंसा में पकड़ा गया है। निर्देशन कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा लिखित कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा उत्पादित एमी कम्फेमैन अभिनेती प्लाइन गैथनी ड्रेनी फ्रेशर क्रिस्टिनी फ्रेरिक छायांकन एड्रियन क्लेमेन द्वारा संपादित लूसी कार्वियर क्रोमैक संगीत दिया है मार्सी जेब्रोश उत्पादक कंपनियां प्राथमिक प्रदूषर कना फिल्म फ्रेडिक फिल्म द्वारा लेवित्रित फंकस फ्रेंची संयुक्त राज्य यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि जनवरी 18, 2009 सनडांस मार्च 20, 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका 15 मई 2009 कार्यकारी समय 96 मिनट 23 मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका बस एक्सपेंसी बजट 7 मिलियन डेली योन और गेल गर्मिया वेनर स्पेंसी भाषा की फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे। 2009 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में सिन निर्मित और छायांकन के लिए पुरस्कार जीते। विलय उपनाम एक क्रेशियर मार स्लेविट ग्राहकों का सदस्य है। गैवॉट माला के साथ सीमा के साथ मैक्सिवर शहर तापचल्य में रहता है। वह अपने ग्राहकों में एक युवा लड़के का परिचय देते हैं और हिंसक दीक्षा के बाद लड़के को स्नेमी उपनाम दिया जाता है। कैप्सर बाद में स्लेमी को एक
प्रतिद्रव्य ग्राहकों के सदस्य को मारने में मदद करके इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करती है। कैसन के लड़की मैथ्यू मार्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी सुरक्षा के डर से वह अपने ग्राहकों से रिश्ते को गुप्त रखता है, लेकिन उसका दोहराय जीवन उसके ग्राहकों को उसकी वफादारी पर संदेह करने का कारण बताता है। जब मैथ्यू किस्पेरी को अपने ग्राहकों के एक समूह में ले जाती है तो कैप्सियर की गलतफहमी के बावजूद ग्राहकों के नेता ली मेगन उसे बाहर ले जाते हैं। मांगू ने मार्थी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और गलती से उसे मार डाला। बाद में वह लापरवाही से क्रेपी से कहता है कि वह एक और लड़की ढूंढ लेगा। कुछ ही समय बाद मैगी कैफर और साइमली को लावेमी में लाता है, जो रैली की प्रेटियो के साथ एक स्थान है जहां संभावित स्टोनी प्रयास संयुक्त राज्य के स्थानों ट्रेनों को पार करने से दूर हो जाते हैं। प्रेसियो में से एक हेरेडी परिवार है जिससे पहले शुरू किया गया था, जिसमें किशोर लड़की सराया, उसके पिता और उसकी चाचा शामिल हैं, जो न्यू जर्सी में रिश्तेदारों के रास्ते जा रहे हैं। ली मांगो कैम्पियल और स्पेंसी यात्राओं को लड़ते हैं, जबकि पास कोई पैसा नहीं है। जब तक कि लीला मैगी साड़ी को नहीं देखता है और उसे बलात्कार करने का प्रयास नहीं करता है, किस्वेंसी स्टेप्स और मग्या को मार देता है और फ्रेशी स्माइली को भेजता है। स्माइली ग्राहकों में वापस जाती है और मांगो की मृत्यु को मौत की रिपोर्ट ग्राहकों से नेतरीय शामिल भागीदारी करती है। बैटल ऑफ द आरोफिक से गौड़ती है कि सबूतों के वृद्धि के कैफियर भोजन की भूख मांगता है और एलिशी समूत स्पेंसी कंप्यूटर का ट्रैकल करने के लिए उत्तरी अमेरिका ट्रेन अभियोलिक के क्रेफियस में यात्रा डाल जाता है। जब तक कि ट्रेन फेंकने की कोशिश कर जाती है तो श्रेणी चेतावनी देता है कि यह नहीं होना चाहिए। रेटियल द फ्रेटल उसके माता पिता चाचा से यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सीना नोमैड्स मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2009 की मैक्सिनर अमेरिकी शायक की थ्रिलर फिल्म है जिसे कैरी जोजी फेकिलनाग द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक कैटल लड़की के बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है और एक लड़का ग्रेरी के जीवन की हिंसा में पकड़ा गया है। निर्देशन कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा लिखित कैरी जोजी फंकलनेक द्वारा उत्पादित एमी कम्फेमैन अभिनेती प्लाइन गैतनी ड्रेनी फ्रेशर क्रिस्टिनी फ्रेरिक छायांकन एड्रियन क्लेमेन द्वारा संपादित
लूसी कार्वियर, क्रोमैक, संगीत दिया है मार्सी जेब्रोश, उत्पादक कंपनियां प्राथमिक, प्रदूषर, कना फिल्म, फ्रेडिक फिल्म द्वारा लेवित्रित, फंकस फ्रेची संयुक्त राज्य, यूनिवर्स पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि जनवरी 18, 2009, सन डांस मार्च 20, 2009, संयुक्त राज्य अमेरिका 15 मई 2009, कार्यकारी समय 96 मिनट, देश मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा स्पेनिश, बजट 7 मिलियन। डेली जॉन और गेल गर्मिया वेनर स्पेनिश भाषा की फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे। 2009 सन डांस फिल्म फेस्टिवल में सिन निर्मित और छायांकन के लिए पुरस्कार जीते। बिल्ली उपनाम एक क्रेसियर मार स्लेविट ग्राहकों का सदस्य है। गैवॉट माला के साथ सीमा के साथ मैक्सिवर शहर ताप चलिय में रहता है। वह अपने ग्राहकों में एक युवा लड़के का परिचय देते हैं और हिंसक दीक्षा के बाद लड़के को स्नेमी उपनाम दिया जाता है। कैप्सर बाद में स्लेमी को एक प्रतिद्वंद्वी ग्राहकों के सदस्य को मारने में मदद करके इस तथ्य को पूरा करने में मदद करती है। कैसन के लड़की मैथ्यू मार्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी सुरक्षा के डर से वह अपने ग्राहकों से रिश्ते को गुप्त रखता है, लेकिन उसका दोहराय जीवन उसके ग्राहकों को उसकी वफादारी पर संदेश करने का कारण बताता है। जब मैथी किस्पेरी को अपने ग्राहकों के एक समूह में ले जाती है तो कैप्सियर की गलतफहमी के बावजूद ग्राहकों के नेता ली मेगन उसे बाहर ले जाते हैं। मांगू ने मार्थी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और गलती से उसे मार डाला। बाद में वह लापरवाही से क्रेपी से कहता है कि वह एक और लड़की ढूंढ लेगा। कुछ ही समय बाद मैगी कैफर और साइमली को लावेमी में लाता है, जो रैली की फ्रेटियों के साथ एक स्थान है जहां संभावित स्टोनी प्रयास संयुक्त राज्य के स्थानों ट्रेनों को पार करने से दूर हो जाते हैं। प्रेसियों में से एक हेरेडी परिवार है जिससे पहले शुरू किया गया था, जिसमें किशोर लड़की सराया, उसके पिता और उसकी चाचा शामिल हैं, जो न्यू जर्सी में रिश्तेदारों के रास्ते जा रहे हैं। ली मांगो कैम्पियल और स्पेंसी यात्राओं को लड़ते हैं, जबकि पास कोई पैसा नहीं है। जब तक कि लीला मैगी साड़ी को नहीं देखता है और उसे बलात्कार करने का प्रयास नहीं करता है, किस्वेन से स्टेप्स और मग्या को मार देता है और फ्रेशी स्माइली को भेजता है। स्माइली ग्राहकों में वापस जाती है और मांगो की मृत्यु को मौत की रिपोर्ट ग्राहकों से नेतरिया शामिल आगेदारी करती है। मेटल ऑफ द आरोपी से गौरती है कि सबूतों के प्रति के
कैफियस भोजन की भूख मांगता है और एलिशी समूथ स्पेंसी कंप्यूटर का ट्रैकल करने के लिए उत्तरी अमेरिका ट्रेन अभियोलिक के कैफियस में यात्रा डाल जाता है। जब तक कि ट्रेन फेंकने की कोशिश कर जाती है तो श्रेणी चेतावनी देता है कि यह नहीं होना चाहिए। रेटियल द फ्रेटल उसके माता पिता चाचा से यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।